हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यश मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट निकल चुका है और उसके बाद स्टूडेंट्स अपने अगले पायदान की तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्लास 10th के बाद क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए, नामांकन करवाने के लिए सोच रहे हैं। और आपको पता होगा मेरे स्टूडेंट्स की बिहार बोर्ड की ओर से अनाउंस किया गया था कि 4 अगस्त से क्लास 11th का नामांकन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स कि शायद ये नामांकन आगे जाकर स्थगित कर दिया जाए। हो सकता है आगे जाके नामांकन का डेट और बढ़ाया जाए या फिर बाद में जाके नामांकन हो। आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूं, न्यूज़ देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि सच में ये नामांकन आगे जाकर रुकने वाला है। देखिए यहां पे आपको स्क्रीन पे न्यूज़ दिख रहा है, इग्राहमी में नामांकन की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग। यहां पे देख सकते हैं हेडलाइन आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो आगे न्यूज़ पे चले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो जरूर इंस्टॉल कीजिए ऑनलाइन स्टडी के लिए, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे ऑनलाइन स्टडी करवाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऐप नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एमिंग हाई ऐप का, जहां पे आपको उस ऐप पे सारी चीजें आपको मिलती है। तो आप उस ऐप में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए नीचे चलते हैं, न्यूज को दिखाते हैं। यहां पे देखिए, जैसे इस न्यूज में नीचे चलेंगे तो आपको दिखेगा बिहार माध्यमिक परीक्षा संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने मुख्यमंत्री व अध्यक्ष बिहार बोर्ड को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए 4 अगस्त से शुरू होने वाली नामांकन, इग्राहमी की जो नामांकन थी, प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दिया जाए। मतलब केदारनाथ पांडे ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हुए और साथ साथ में बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हुए आपको पता आनंद किशोर, इनको लेटर लिख के बोला है कि 4 अगस्त से जो क्लास 11th का नामांकन होने वाला था उसको स्थगित कर दिया जाए। इन्होंने वजह भी बताया उसका कि आखिर क्यों स्थगित किया जाए। देखिए आपको पता चलेगा, नीचे चलिएगा तो आपको लिखा हुआ है क्योंकि कई जिलों में कई प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर आप देखिएगा तो आपको चलेगा कई जिलों में, और ये रियलिटी भी है कि बहुत जगह पर बिहार में बाढ़ भी है, बाढ़ से प्रभावित है, और स्कूलों में घुटने भर से पानी अधिक जमा है। साथ ही लॉकडाउन के कारण घरों से निकलने पर भी पाबंदी है। ऐसी स्थिति में, सच में बात है भाई कि ऐसी स्थिति में अगर स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनको तो प्रॉब्लम्स होंगी होंगी। तो कहा जा रहा है आगे जाके कि ऐसी स्थिति में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और सार्वजनिक परिवहन भी बंद होने के कारण बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो अपने स्कूल नहीं जा पाएंगे। और यह भी रियलिटी है कि कोई बहुत सारे अध्यापक आपको पता है कि पटना से अलग अलग गांव के एरिया में पढ़ाने जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं वहां से पढ़ाने जाते हैं, तो उनको जाने में प्रॉब्लम होगा। फिर साथ साथ में कहा जा रहा है कि सामुदायिक संक्रमण का भी खतरा है, जब एक साथ बहुत सारे टीचर्स एकत्रित होंगे तो सामुदायिक संक्रमण की, कोरोना का भी खतरा है। उन्होंने ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 4 अगस्त से होने वाली ग्रामीण का जो नामांकन प्रक्रिया था उसे तत्काल स्थगित करा दिया जाए और स्थिति सामान्य होने पर ही इसका प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये न्यूज़ तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? क्लास 11th का एडमिशन स्टार्ट होना चाहिए या क्लास 11th का एडमिशन फिर से स्थगित करवा के स्थिति जब सामान्य होगा तब जाके इसका एडमिशन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, आप लोग के कमेंट का इंतजार करूंगा। और साथ साथ में मेरे बच्चे, आप अगर प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वहां पे ऑनलाइन नोट्स, पीडीएफ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें मिल जाती है। जरूर उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, इस न्यूज को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल कलर का जो बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।